बोला मुझे क्या हो गया, रुक जाना, हाँ रुक जाना यार, एक मिनट गाइस, गुड टू सी यू। बहुत मुश्किल से आप दोनों नजर आते हैं और मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत खास ना हो आप नहीं आते, यहाँ आने की खास वजह। अच्छा मैं आपसे शुरुआत करूँ, वो सबसे है लेकिन इनके साथ ये जुड़े हुए हैं इसके लिए आप ये खास हो गए हैं। सॉरी भाई, आई नो दिस डोंकी। टेल अस कि जब अदा ने कहा कि आपको यहाँ आना है, आपका क्या रिएक्शन था? और मीडिया भी बहुत वेट करती रही आपका कि आप आए, लेकिन आप अपने हिसाब से आए। अभी जैज ने बोला था ना कि हमारा कुछ होता तो अदा भी आती। 100% अदा बहुत क्लोज है यार। और जैसे वो पहले भी कह रही थी कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स ही नहीं, जो भी चीज़ें हम जिंदगी में कर रहे हैं उसे सपोर्ट करें। तो जैसे अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट करने वाला हूँ या मैं सोच रहा हूँ, तो अदर्स वाला तो फर्स्ट पीपल दैट आई कॉल एंड आस्क, तेरे को क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो वी आर ऑलवेज सपोर्टिव विद दीस थिंग्स, और हमारा फर्ज बनता है यार, एंड वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर, वी विल ऑलवेज बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप क्या कहना? क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो जेन्युइनली अच्छी, वो मतलब मैं आई एम नॉट बीइंग फिल्मी एंड आई एम नॉट बीइंग ऑल दैट, वो सच में अच्छी है। थैंक यू। शी सो एज आई सेड, मैंने इनको नागिन में पहली बार देखा था एंड आई रियली लव्ड व्हाट द परफॉर्मेंस शी यूज्ड टू गिव एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ हर इन द शो। एंड देन आफ्टर दैट, यू नो, समटाइम्स वी हैव अ परसेप्शन ऑफ पीपल दैट इफ यू मीट देम इन पर्सन, सो हाउ देयर एटीट्यूड इज गोइंग टू बी, हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट देमसेल्व्स। शी एक्चुअली डिड नॉट शो इवन अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट एटीट्यूड, ओ आई एम दिस, ओ आई एम दैट, यू नो, शी वाज रियली डाउन टू अर्थ, शी इज स्टिल, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक शी हैज दिस स्पेस। क्या रिएक्शन था आपने जब मैं बात करता हूँ, जैसे कहा इन्होंने, मैम ने कहा कि खास बात है कि बहुत ग्राउंडेड है, जहाँ यहाँ दिल में जगह रखने की वजह है वो। व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू आस्क देम टू बी ऑन बोर्ड, और आपको इतनी हौसला अफजाई, एजाज ने कहा जी, कवित्रा ने कहा, ऑब्वियसली जो आपके दिल के करीब होते हैं, आप उनको, आप चाहते हो कि आपके स्पेशल ओकेजन्स में वो हो आपके साथ, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल इन्वाइट एवरी वन, बट देर आर सर्टन पीपल यू वॉन्ट देम टू बी देयर, बिकॉज आई मीन आई रियली लव देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, यू नो, आई मीन, यू नो, व्हेन एजाज एंड मी वर फ्रेंड्स पहले से, बट व्हेन Pavitra came in his life, I've seen him change, I've seen him like a different person, and a better person, of course, and a different, तो था अच्छा पहले भी, but अभी और अच्छा हो गया, you know, it, and I'm very happy for them, and really, and I want them, and inshallah, I will also be there for them, whatever their good occasions is gonna be there, so एक दिल से connection है, and you know, they are always there in my heart, always. And we are always there in Sandeep's house. And Sandeep's house, yeah. Always. As you said, you know, you become a better person. And you have given some power. Better person. बेटर मतलब मैं पहले से ही अच्छा था, लेकिन वो he's changed, तो ऐसा तो नहीं बदल गया, ऐसा नहीं है, मतलब बेटर वे में बदल गया हूँ। तो देख यार, I was single earlier, but now that you are in a relationship, you need to level up your not only your responsibilities, but your outlook towards life also changes. ठीक है? Okay. हाँ, मेरी भी life बदली है। ऐसी क्या खास बात? It's not the same question. ऐसा क्या खास बात है जो एजाज को बाकी दुनिया से अलग करता है? अलग करता है? हाँ, मतलब he's special. The positive thing about मुझे लगा दुनिया से ही अलग करता है। नहीं नहीं, it's not about that. The question is, ऐसा क्या खास है जो बाकी लोगों में नहीं है, एजाज की स्पेशलिटी की? हाँ यार, ये बहुत यूनिक, ऐसी यूनिक चीज है जो मैं, यू नो, मुझे लगता है कि ये बहुत पॉइंट करनी चाहिए कि हाँ यार, ये बहुत अलग है एजाज में जो बाकी लोगों में नहीं है। बहुत सारी चीजें, बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, यू नो, इन लाइफ यू सी अ लॉट ऑफ फेजेस, so and you go through very crucial times also at times, but Ejaz is someone, it's not with me only, but he is being somebody who
will never leave you when you needed somebody the most. He will always stand like a strong pillar with you, concrete with you, and he will never abandon you. Do you get emotional when Pavitra says, you know, the good things about you, ki kabhi wo aapka saath nahi chhodenge jahan aapko bahut zarurat hai. She is emotional, that's why wo kisi ka saath nahi chhodenge, right? It's a quality of a very emotional person. Yeah, there are ek sentence mein ye sab nahi bolunga, there are a lot of things to it. Firstly, I think ek insaan mein ek integrity hona bahut zaruri hai. You have to be a man of your word. Once you have committed yourself to something, then you make things work. So that's what it basically means for me in life. Aakhri sawal mera aapse, Pavitra ko kya alag karta hai baaki duniya se? Kya alag karta hai? I think wo jo bhi feel karti hai, wo 100% feel karti hai. Jo bhi feel karti hai, she doesn't hold back. So I think that's what I have also learned from her. कि अभी अगर ज़िंदगी जी रहे हैं, the only thing you have to commit yourself completely to life, to everything that you do. That's what. कितनी हौसला अफजाई है जब पवित्र पुन्या एजाज या मौजूदा अदा के साथ आपके काम को, आपके जो भी आपने करा है सिंगल सॉन्ग की बात करें, कितनी हौसला अफजाई होती है जब ऐसे दिग्गज आपके साथ मौजूद हैं? बहुत अच्छा लगा. और जैसा आपने भी कहा कि ज़्यादातर देखने मिलते नहीं है, कुछ खास होता तभी आते हैं. हाँ, नहीं आते. So, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे भी खास माना अदा के साथ, तो यहाँ पर है. एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड सर इज ऑल्सो वेरी केयरिंग. सो और उन्होंने भी कहा कि अब इनके दिल में भी मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह है अभी. सो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. अदा क्या कहना चाहेंगे आपके इतने खास दोस्त? टाइम आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं. क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है मेरी आज, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड सो हैप्पी दैट यू हैव सच फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. बिकॉज लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में फेक लोग होते हैं, जो सच्चे दोस्त नहीं बनाए जा सकते, बट सीइंग देम हियर आई थिंक दिस सेज इट ऑल. यू नो आई मीन दिल से भी दोस्त होते हैं इस इंडस्ट्री में और सच्चे दोस्त भी होते हैं. ओके बस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.